सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कब से ये काम कर रहे हो तुम? ऐसा तो हो नहीं सकता। कहाँ जाके बेचे थे? दीवान में गाड़ी के लिए। किसको देते हो? सर वहाँ आता है के लिए चला जाता है। कितने की शराब थी ये? एक पेटी में 48 क्वार्टर 75 किलो वाली। 6 लाख के आसपास है। 6 लाख वाली कीमत कर रहा हूँ, मतलब वो कीमत जो है एक बार में खाली कर दो। अच्छा, उसमें सर ये जो गुमराह करने का जो टैंकर का जो मॉडिफाई किया गया है, ऊपर से दूध काफ़ी विचित्र टैंकर है कि कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा था पुलिस को, तो उसकी वजह से शराब की सप्लाई हो रही थी, उसमें क्या था मामला है? ये एक सटीक मुखबिरी के आधार पर कल एक्सप्रेस वे पे एक टाटा 407 है जो टैंकर के रूप में मॉडिफाइड है, उसको हम लोगों ने सीज किया और उसमें एक मनीष नाम का आदमी है, ये गढ़ा गोरखपुर झगहा गोरखपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया जो चालक है। ये टैंकर में 200 पेटी हरियाणा की शराब थी और इसको लेकर के ये बेचने के लिए बिहार ले जा रहे थे। इनसे पूछताछ हुई है और इसमें पता लगा है कि पहले भी ये काम कर चुका है, तो ये सिवान ले जा करके इसको बेचते थे। और जो खास बात इसमें है, इसका मॉडस ऑपरेंडी कि जो टैंकर है उसमें पीछे की ओर मिल्क लिखा हुआ है और उसका जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है उसमें एक इसमें सब कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसमें कि 15-20 लीटर दूध डाल देते हैं सफ़ेद जैसा, और कहीं पे वाहन चेक होगा तो उसमें एक पाइप लगी हुई है जिससे वो निकाल करके दिखा देते हैं कि ये मिल्क वैन है और इसमें दूध लगा हुआ है। लेकिन जो टैंकर के अंदर का हिस्सा है उसमें ये जो अवैध शराब है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और लेकिन एक सटीक सूचना के आधार पर हम लोगों ने तरह को पकड़ा है। अब इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।